भाई साहब गोबर आकर कहाँ गिरा हाथ के ऊपर, और मैंने भाई की पैंट के साथ कर दिया पीछे की तरफ साफ। देख लो भाई कैसे छपरी राइडर, हमारी बाइक के ऊपर छपरी पंथी नहीं करनी है, ऐसा बाइक को उबलना पड़ेगा। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक, स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। तो भाई मामा की बेटी की शादी थी तो आए थे हम, और पूरे 10 दिनों के बाद मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, तब से टाइम नहीं मिला है हमको ब्लॉग बनाने के लिए। और देख लो ये हमारी डोमिनार 250 और ये हमारी NS बाइक, चलाएंगे हमारी बाइक। और आज आपको डोमिनार का मोटो ब्लॉगिंग दिखेगी, तो करते हैं शुरू, चलेंगे हम यहाँ से। हमारे साथ बैठेगा पिनियन भाई भी हमारा, तो भाई चलाएंगे हमारी NS, तो चलेंगे अभी हम यहाँ से। गाइस फुल पावर चलेंगे हम, भाई चला रहे हैं हमारी बाइक, देख लो आगे। और हमारी बाइक में तो अपोलो अल्फा H1 डला हुआ है, और भाई की बाइक में डला हुआ है पीछे S1, और आगे भी अपोलो का ही टायर है और कोई और ही टायर है। तो फुल पावर चले हुए हमारे भाई भी आगे। पता नहीं क्या हुआ था भाई, हमारी ब्रेक सीन लग रही थी जिस कारण से हमने मोटो व्लॉगिंग की नहीं मतलब इतने दिनों से। तो अभी कल का मैं घर आया था नानी के घर से, तो उसके बाद मैंने ब्लीड वगैरह की ब्रेक्स, तो फिर जाकर ये ठीक हुई। तो भाई डोमिनार चलाएंगे अभी हम, मतलब तगड़ी भाई बिल्ली मारती है बहुत ही गलत, पर अभी मेरे साथ पिनियन है, नहीं तो अभी पॉप अप कर देते एक आधी। भाई साहब मतलब फुल पावर लेट आते हुए देख लो, मतलब भाई भी चले हुए हैं हमारे आगे फुल पावर ही। अब देख लो मतलब टायर क्या सेक्सी लग रहा है भाई व्हील कवर के साथ, मतलब पीछे से बाइक लग रही है बिल्कुल ही तगड़ी। डोमिनार का थोड़ा सा वेट ज़्यादा है इसका, मतलब अगर इसका वेट मेरी बाइक के मतलब बिल्कुल ठीक ही होता, 2-4 किलो ज़्यादा होता तब तो कुछ नहीं था भाई, इसका वेट ज़्यादा दे दिया है तो 250 cc इसमें फील ही नहीं होता फिर। बाकी ऐसा नहीं है, पुश तो इस बाइक में भाई बहुत ही गलत है। और देख लो भाई चले हुआ फुल पावर, और देखना भाई टर्म्स पर जो व्हील कवर दिखता है ना बहुत ही गलत है, जो हमारा डार्क्स का लोगो है ना वो तगड़ा दिखता है भाई। ओ भाई साहब फुल पावर, गाइस मतलब चेक करो यार रिम कवर जो डार्क्स का लोगो लगा है ना इसके ऊपर, देख सकते हो आप भाई क्या ही तगड़ा लगता है घूमते हुए। तो हम क्लोज जाएंगे भाई के, तो फिर दिखाते हैं आपको। और भाई साहब भाई लीन कर रहे हैं बहुत ही तगड़े वाले, और हमारी भाई बाइक पर मतलब लीन होते ही बहुत तगड़े हैं भाई, 09 भी तगड़ा सेक्सी लगता है नीचे से देखने पर। तो मतलब मैंने अपनी बाइक इतनी ज़्यादा देखी नहीं है पीछे से, पर भाई मैं खुद की बाइक का खुद ही दीवाना हो जाता हूँ देख कर। देख लो भाई क्या लीन कर रहे हैं भाई हमारे, भाई साहब मज़ा आ रहा है मतलब डोमिनार को चलाने का। देख लो मैंने तो बहुत चलाई है, पर पहली बार ब्लॉगिंग हो रही है इसके ऊपर। और देख लो भाई नज़ारा चेक करो हमारी साइड का, द ब्यूटी। और सूरज है अभी बहुत ज़्यादा ऊपर, दिन भी बड़े हो रहे हैं, पर अभी 4 बज रहे हैं तो 5 बजे को ऐसे सनसेट हो ही जाता था, पर अभी देख लो मतलब पूरे लगभग 6 तो बज ही जाएंगे सनसेट होने तक। तो भाई साहब और भाई चले हुए हैं हमारे फुल पावर पावर आगे, ज़्यादा हम दौड़ा भी नहीं सकते क्योंकि सिंगल रोड है ये, तो बाकी लिमिट्स में चलते हैं हम, बाकी ऐसा नहीं है कि रश करना है। तो देख लो भाई फुल पावर, तो धूप भी थोड़ी थोड़ी लगी है, गर्मियों के दिन आ गए हैं तो अब बाइक चलाने का मज़ा आ जाता है भाई। पहले ठंड में तो बुरे हाल हो जाते थे, बिना ग्लव्स के तो ठंड लग जाती थी, तो इस वाले रोड पर तो काफ़ी ज़्यादा ठंड लगती थी। तो भाई साहब फुल पावर धूल आ रही है आगे से भाई, क्यों मुझे कंफर्टेबल फील नहीं होता कुछ भी, और अपनी बाइक पर ना हूँ तो मैं ज़्यादा ही अनकम्फर्टेबल फील करता हूँ। देख लो भाई फुल पावर चले हुए हैं भाई हमारे आगे, और देख लो जो मड गार्ड खोला हुआ है ना पीछे से, और नंबर प्लेट जो ऊपर हुई है तो तगड़ी लग रही है भाई। तो आप भी करवा सकते हो, देख लो हमारा जुगाड़ कितना तगड़ा है भाई, सेक्सी लगता है। मतलब जो ऑनलाइन मंगवा कर मिलता है ना जिसमें नंबर प्लेट ऊपर होती है NS वाली, फोल्डेबल नहीं बोल रहा हूँ मैं दूसरा बोल रहा हूँ, 1100-1200 रुपये का आता है वो, पर भाई उसमें इतनी तगड़ी नहीं लगती है क्योंकि वो थोड़ा दूर होता है बॉडी से बाइक की, और ये बिल्कुल टच करके है तो भाई गलती लग रहा है। और देख लो मतलब अब ऐसी वादियाँ होना तो मज़ा आ जाता है,
अभी थोड़ी थोड़ी ठंड है इधर, क्योंकि दोनों तरफ चील के पेड़ हैं। जब गर्मी आएगी ना भाई, तो ऐसी जगह ढूंढने को नहीं मिलती और मज़ा आ जाता है। और भाई के लेंस चेक करो आप, बहुत ही गलत है। भाई के लेंस नहीं है ये हमारी बाइक की जो खासियत है वो है ये, जिसको आदत सी पड़ गई है अब लीन करने की। तो इधर खड़ेंगे हम, दो चार रील्स करेंगे शूट। सो गाइस, यहाँ पर हमने रील्स वगैरह की शूट, और देख लो क्या तगड़ी वाली लोकेशन है इधर। तो मैं चलाऊंगा डोमिनार क्योंकि मज़ा आ रहा है इसको चलाने में। और देख लो भाई, रोड्स हैं तगड़े वाले, गिटियाँ गिटियाँ पड़ी सारी जगह। ओ भाई, हमारे भाई से ज़्यादा लीन तो आंटी कर रही है। भाई सर के साथ ऐसा लगता है कि बाहर वाली साउंड कुछ सुनाई नहीं दे रही है। और भाई साहब ठंड लग रही है इधर तगड़े वाली, मतलब ठंड तो चले गई अब लगभग पूरी, जब मैं आया था उस दिन थोड़ी ज़्यादा थी, आज रही नहीं है, पर थोड़ी थोड़ी ठंड लग रही है। और बाकी भाई 10-15 दिनों के बाद मैंने ब्लॉगिंग कर रहा हूँ मैं, जब मैंने बिल कवर डलवाया था ना उसके बाद आज ब्लॉग बना रहा हूँ मैं। तो देख लो भाई कितने ज़्यादा दिन हो गए होंगे। और मेरे को पिछले दो तीन ब्लॉग अभी अपलोड करने के लिए पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो समझ सकते हो आप कितना ज़्यादा बिजी हुआ होगा मैं शादी में, और हमारा बर्थडे भी था, तो बहुत से लोगों ने हमको विश किया। लगभग 5,000 लोगों का रिप्लाई किया है मैंने, मतलब मैंने सभी का ही रिप्लाई किया है। 8 मार्च को मेरे को जिसने भी टेक्स्ट किया था भाई, हैप्पी बर्थडे लिखा था, उन सभी को मैंने रिप्लाई किया हुआ है। तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इतने प्यार के लिए। और देख लो आंटी चली हुई है आगे फुल पावर, मतलब लीन गेम। सो गाइस फाइनली अब भी भाई ने हमारे ने आंटी को ओवरटेक कर दिया है, और देख लो आंटी फुल पावर भाई साहब। गाड़ियाँ भी फुल पावर चली हुई है भाई इधर, देख लो इसको गोबर के बीच में से ही निकालनी थी बाइक। और इसके आगे वाले टायर पर मेरे को इतना भरोसा नहीं हो रहा है भाई, ये थोड़ा बहुत गचड़ पचड़ कर रहा है। इस रिवाल्सर में हम पहुँचने वाले हैं लगभग, देख सकते हो जैसा कि आप नीचे की तरफ। तो बाइक लीन भाई, मतलब ये जो रिम कवर है ना भाई तगड़ा ही लग रहा है, पीछे से जो हमारा लोगो है ना इसके ऊपर बहुत ही तगड़ी लुक दे रहा है। डोमिनार मतलब तगड़ी स्टेबल मशीन है ये भी, पर इसमें अगर वेट थोड़ा कम होता ना तो और ज़्यादा स्टेबल होती है। बाकी ऐसा है अगर स्पीड में इसको रोकना होगा तो ये पुश लेगी, क्योंकि जो बॉडी मोशन में होगी तो उस कारण थोड़ा बहुत। बाकी अच्छी मशीन है ऐसा नहीं हम बोल सकते। और देख लो भाई अपनी NS, मेरे को NS के बराबर स्टेबल मशीन मिली नहीं आज तक कोई। और अपनी अपनी बाइक की भी बात होती है, अब मैंने ये NS ही ज़्यादा चलाई है, तो मैं किसी भी NS को चलाता हूँ तो तगड़ा मजा आता है। और व्हील कवर के साथ ऐसा लगता है कि ज़्यादा स्टेबल हो गई है मशीन हमारी। अब देख लो रिवाल से लेक नीचे की तरफ है, तो हम बिल्कुल आराम से चले हुए हैं सेफ राइड करते हुए। और देख लो भाई तकड़ा मजा आ रहा है मतलब आज। सो गाइस रिवाल्सर में हम पहुंच चुके हैं, और संडे आज देख लो बाजार पूरा बंद है लगभग। और भाई वो ATM में काम सर से हम निकल चुके हैं, और पुलिस वाले भी थे इधर, तो निकलेंगे हम खास तरीके से बिना पुलिस वालों की नजर में आए हुए। ये देख लो भाई कैसे देख रही है पीछे की तरफ मुड़ मुड़ के। आयशा फुल पावर, और इस वाले रोड के तो बहुत बुरे हाल है, मेरे को याद ही नहीं रही थी। ओ भाई इधर से हमारे कपड़ों के बुरे हाल हो जाएंगे। और इसकी नंबर प्लेट में वाइब्रेशन आ गई है कुछ, वाइब्रेशन बोल रहा हूँ, देखो वाइब्रेशन आ गया नंबर प्लेट में कुछ है।
और गाड़ियां गाड़ियां चली हुई है भाई फुल पावर, मतलब अब हमारे कपड़े खराब होंगे, बहुत ज्यादा धूल लगेगी हमको। मेरे को भाई साहब, मैं काली लोअर पहन के निकलता आया। भाई साहब गोबर आकर कहाँ गिरा रात के ऊपर, और मैंने भाई की बैठ के साथ कर दिया पीछे की तरफ साफ। देख लो भाई, ये फायदा है पिनियन बिठाने का, गोबर सीधा हाथ के ऊपर गिरा और मैंने सीधा भाई की पैंट के साथ कर दिया साफ। देख लो भाई रिम कवर क्या ही सेक्सी लग रहा है साइड से, मतलब जो रेड और वाइट घूम रहा है ना अंदर, तगड़े वाला भाई, ओपी बोल सकते हैं जिसे। तो अभी हम पेट्रोल डलवाएंगे आगे, जैसे दोनों ही बाइक्स में बहुत ही कम पेट्रोल है क्योंकि हमारे घर वाली साइड पेट्रोल पंप नहीं है, और जो लीन मार रही है ना NS आगे, देखने के मजे आ जा रहे हैं भाई। खुद की बाइक की तारीफ करते करते नहीं हट रहा हूँ मैं, और बोले भी क्या। देख लो भाई कैसे छपरी राइडर, हमारी बाइक के ऊपर छपरी पंथी नहीं करनी है, ऐसा बाइक को उगलना पड़ेगा। देख लो भाई, और भाई साहब जो जब कर्व मारती है ना ये बाइक साइड से, क्या ही सेक्सी लगती है। देख लो भाई, सो गाइस फ्यूल हमने डलवा लिया है और अब निकलेंगे हम फुल पावर। भाई साहब जो डोमिनार का ये टैंक है ना, देख लो मतलब कितना ज़्यादा बड़ा है, और गाड़ी आती है इधर फुल पावर। इस मोड़ को मैं जितनी बार काटता हूँ इधर मेरे को गाड़ी मिलती है पक्का। भाई साहब ट्रक लोड हो रहा है और निकल पाएंगे क्या हम, तो भाई ने कहा निकल जाओ साइड से, तो निकल ही जाएंगे हम वैसे लगभग। इस वाले रोड पर लगा है जगह जगह काम, और भाई साहब अगर आगे हमारे बस या ट्रक अड़ जाए ना, तो मतलब बुरे हाल से खज्जड़ करेंगे वो हमें धूल मिट्टी के साथ। देख लो गाइस, कभी भी आप ऐसी हरकतें ना करें, कोई भी अगर आप व्हीकल चला रहे हो कोई भी, तो फोन पर बात ना करें। देख लो हमारे भाई को तो जरा भी अक्ल नहीं है, फोन पर बात कर रहे हैं, और देख लो कितना कीचड़ फेंका इन्होंने बाइक के ऊपर। शिट यार, मैंने धोई थी आज ही, कितना गंदा है हमारा भाई, फिर से किचन में एक घुसाएगा देखना, साले को बम से उड़ा दूंगा। सो गाइस मंडी में तो हम पहुंचने वाले हैं, देख लो अभी हम इधर खड़े हुए हैं और लोकेशन चेक कर सकते हो हम, और थक गए हैं भाई। देख लो रोड के हाल है बहुत ही ज्यादा बुरे, क्योंकि पूरे रोड का काम चला हुआ है, तो जिस कारण मेरे को मतलब अच्छा लग रहा है ब्लॉगिंग करते हुए, क्योंकि रिस्क है भाई, रोड बहुत ही ज़्यादा गलत है। तो इस वाले ब्लॉग को कर देंगे हम यहीं पे ख़त्म, और जल्दी मिलेंगे एक और नए ब्लॉग में। तो मॉडिफिकेशन पर फुल वीडियो बनाएंगे हम अपनी बाइक की मॉडिफिकेशन के ऊपर, तो जल्दी मिलेंगे एक और नए ब्लॉग में। टाटा, गुड बाय, लव यू।